नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 15 अगस्त की सुरक्षा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की हाई लेवल मीटिंग, आईबी रॉ चीफ रहे मौजूद। पाकिस्तान की तरफ से हुए सीज फायर उल्लंघन पर हुई चर्चा। जजों की नियुक्ति में सरकार और न्यायपालिका के बीच तकरार, सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। कानून मंत्रालय के मसौदे पर दोहरा सकती है आपत्ति। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम नेताओं पर निशाना, कहा मुस्लिम लीडर नहीं डीलर है आजम खान और गुलाम नबी आजाद। खराब कानून व्यवस्था पर विरोधियों से गिरी यूपी सरकार को पर्यावरण पर मिली सराहना, 24 घंटे में लगाए 5 करोड़ पेड़, गिनीज बुक में दर्ज हुआ अखिलेश सरकार का नाम। और उफनती यमुना से दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा, डेंजर लेवल के ऊपर पहुंचा जलस्तर, रेलवे ने पुराने पुल पर रोका ट्रैफिक, बाढ़ से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार। और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। कानून व्यवस्था को लेकर भले ही अखिलेश यादव की सरकार कटघरे में हो, लेकिन पर्यावरण पर बेहतरीन काम के लिए अखिलेश सरकार को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। 24 घंटे में 5 करोड़ पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए यूपी सरकार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। शनिवार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर उन्हें गिनीज बुक का सर्टिफिकेट सौंपा, जिसमें उत्तर प्रदेश को एक दिन में इस बड़े मिशन को यानी 5 करोड़ वृक्षारोपण के लिए बने विश्व रिकॉर्ड में जगह दी गई है। इसी साल 11 जुलाई को 6,166 जगहों पर करीब 81,000 हेक्टेयर में 5 करोड़ पेड़ लगाए गए। हालांकि ये सारे पेड़ 8 घंटे के भीतर लगा दिए गए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 अगस्त की सुरक्षा के मद्देनजर अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा NSA अजीत डोवाल, राव चीफ, IB चीफ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सुरक्षा से जुड़े दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आतंकी खतरे के अंदेशे के बीच पूरे देश में सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, इस पर चर्चा हुई। सीमा पार से पाकिस्तान की तरफ से हुई सीज फायर उल्लंघन को लेकर भी बातचीत की गई। वहीं दिल्ली में लाल किले के आसपास की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस से अलग से बातचीत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जज के पद के लिए किसी की उम्मीदवारी खारिज करने के सरकार के अधिकार समेत कुछ सरकारी प्रस्तावों पर अपनी आपत्ति दोहरा सकता है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि भारत के प्रधान न्यायाधीश TS ठाकुर की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम को संशोधित मसौदा MOP में विवाद वाले उपबंधों को लेकर आपत्तियां हैं, जो कानून मंत्रालय ने 3 अगस्त को उसे सौंपा है। इसका मतलब है कि दस्तावेज को अंतिम रूप देने में अभी और समय लगेगा। संशोधित मसौदे पर विचार विमर्श करने के लिए आने वाले दिनों में कॉलेजियम की बैठक हो सकती है। संशोधित मसौदे में सरकार ने दोहराया कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के आधार पर कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए किसी नाम को खारिज करने का अधिकार होना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में पिछले 2 दिनों से चल रहा बवाल थम गया, जब गोलीकांड में एक BJP समर्थक की मौत के बाद अखिलेश सरकार ने बलिया के DM और SP को सस्पेंड कर दिया। सरकार ने ये निलंबन उस बवाल के बाद किया जिसमें बलिया के नरही थाने के बाहर हुई गोलीबारी में एक BJP समर्थक विनोद राय की मौत पुलिस की गोली से हो गई। बलिया के नरही थाने के बाहर शुक्रवार से ही BJP के विधायक उपेंद्र तिवारी कथित पशु तस्कर को छुड़ाने के लिए थाने के बाहर धरने पर बैठे थे। जब पुलिस ने विधायक की बात नहीं मानी और जबरन विधायक को हटाने के लिए BJP नेताओं और समर्थकों पर लाठीचार्ज किए तो देर रात बवाल मच गया था। पूर्वी क्षेत्र में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे आतंकी संगठनों के बढ़ते खतरे के मद्देनजर NIA के अधिकारी उर्दू, अरबी और फारसी भाषा सीख रहे हैं। अरबी, उर्दू और फारसी भाषा का मूलभूत ज्ञान होने की जरूरत पहली बार साल 2014 में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के खगरा में हुए विस्फोट के बाद महसूस की गई थी। इस मामले की जाँच NIA को सौंपी गई थी, लेकिन बड़े पैमाने पर बरामद किया गया साहित्य फारसी, उर्दू और अरबी भाषा में था, इसलिए अधिकारियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा था। इसके बाद महसूस किया गया कि अधिकारियों को इन भाषाओं का प्रारंभिक ज्ञान होना जरूरी है। अधिकारी और जांचकर्ता अंग्रेजी, हिंदी और अपनी मातृभाषा जानते हैं, लेकिन अतिरिक्त भाषा का ज्ञान उन्हें आतंकरोधी उपायों में बढ़त दिला सकता है। अपना 16 साल पुराना अनशन खत्म करने के कुछ दिनों बाद मणिपुर की आयरन लेडी रोम शर्मिला ने रविवार को कहा कि राजनीति में आने के उनके फैसले में कोई बदलाव नहीं आया है और उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य से आपस पर हटाने के उनके अभियान में नई शुरुआत होगी। अनशन खत्म कर राजनीति में आने के फैसले के बाद 44 साल की शर्मिला खुद को अचानक से दोस्तों के दूरी बना लेने की स्थिति में पा रही है।
तथा अपने समर्थकों से भी उनको निराशाजनक जवाब मिल रहा है। उनके इस फैसले का सिविल सोसाइटी और आम लोगों में स्वागत नहीं हुआ है तथा लोगों ने उनको एक तरह से अलग छोड़ दिया है। परिवार से लेकर करीबी दोस्तों पड़ोसियों तक से शर्मिला को विरोध का सामना करना पड़ा है और कुछ उग्रवादी समूहों ने कथित तौर पर धमकी भी दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में अपनी पार्टी की जड़े जमाने में जुटे AIMIM अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को विपक्षी दलों को देश में मुसलमानों की स्थिति और खुद पर लगने वाले तमाम आरोपों पर बहस करने की चुनौती दी। ओवैसी ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से ही देश के मुसलमानों की हालत बद से बदतर हो गई, लेकिन कांग्रेस समेत किसी भी दल ने इस तरफ ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने अपनी अपनी पार्टी का मुस्लिम चेहरा कहे जाने वाले सपा नेता आजम खान, BSP नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद को मुस्लिम डीलर करार दिया। भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में पाकिस्तान दिवस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस बार की जश्न आजादी कश्मीर की आजादी के नाम पर है। बासित यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आजादी तक कश्मीर के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए जान देने वालों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। साथ ही बासित ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत से रिश्ते सुधारने के लिए हमेशा प्रयास किए हैं। पिछले महीने घाटी में आतंकी बुरहान वानी की हत्या के बाद से पाकिस्तान लगातार कश्मीर को लेकर बयानबाजी कर रहा है। पिछले दिनों PM मोदी ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी हमारा है, अब पाकिस्तान को बलूचिस्तान और POK में हो रहे अत्याचार पर भी जवाब देना होगा। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू अगले सप्ताह आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उनकी पत्नी नवजोत कौर ने बताया कि कांग्रेस ने भी उनसे संपर्क किया था, लेकिन उनके पति ने आपके साथ जाने का फैसला कर लिया था। नवजोत कौर ने शुक्रवार को दिल्ली में केजरीवाल से मिलने के बाद ये जानकारी दी। गौरतलब है कि सिद्धू ने पिछले महीने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, इसके बाद से उनके आप में जाने की अटकलें लग रही है। हालांकि उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। नवजोत कौर ने बताया, हमसे कांग्रेस ने भी संपर्क किया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर और बादल परिवार में कोई अंतर नहीं है। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, हम लोगों ने खुद को बनाया है और पंजाब में समृद्धि लाना चाहते हैं। हम घमंड नहीं कर रहे, लेकिन हम में और कैप्टन के परिवार में कुछ भी एक जैसा नहीं है। हैदराबाद के माधापुर इलाके में एक मैनहोल की सफाई के दौरान चार लोगों की मौत हो गई। दरअसल तीन मजदूर इस मैनहोल की सफाई के लिए एक के बाद एक उतरे, लेकिन इनमें से कोई वापस नहीं लौटा। उसी वक्त पास से गुजर रहा एक कैब ड्राइवर भी उनकी मदद के लिए मैनहोल में नीचे उतरा। इस ड्राइवर की भी हादसे में मौत हो गई, जबकि मदद की कोशिश करने वाला एक दूसरा शख्स भी गंभीर रूप से घायल हो गया। आशंका जताई जा रही है कि मैनहोल में जहरीली गैस निकलने से इन लोगों की मौत हो गई। गाइडलाइंस के मुताबिक बिना सेफ्टी गियर्स के मैनहोल में क्लीनिंग के लिए उतरना मना है, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ लगता है। रेलगाड़ियों में आवश्यक सुविधाओं की जवाबदेही तय कर दी गई है। रेल मंत्रालय ने अपने एक नए आदेश में कहा कि रेलगाड़ियों में दी जाने वाली सभी सुविधाओं के लिए ट्रेन सुपरिटेंडेंट यानी TS की जवाबदेही होगी। नए आदेश के मुताबिक सबसे पहले इस व्यवस्था को दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत मेंटेनेंस की जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस व्यवस्था को राजधानी ट्रेनों में चलाकर देखा जा रहा है और इससे मिलने वाले फीडबैक के बाद इसको दूसरी सभी ट्रेनों में लागू किया जाएगा। अगर गाड़ी में सुविधाओं में कोई कमी है तो आप ट्रेन सुपरिटेंडेंट को शिकायत कर सकते हैं और इसके लिए संबंधित गाड़ी में ट्रेन सुपरिटेंडेंट का फोन नंबर चस्पा किया जाएगा। ट्रेन पर मौजूद सभी रेल कर्मचारी और बाहरी एजेंसी के सभी सुपरवाइजर ट्रेन सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करेंगे। EPFO जल्द ही अपने 4 करोड़ से अधिक अंशधारकों को सस्ता घर खरीदने के लिए PF को गिरवी रखने और EMI अदा करने के संबंध में इस कोष के उपयोग की अनुमति देने के लिए एक योजना पेश करेगा। श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने कहा कि EPFO सदस्यों के लिए आवास योजना पर काम कर रहा है। इस योजना के तहत सदस्यों को घर खरीदने के लिए अपने भविष्य निधि कोष को गिरवी रखने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा, हम उन्हें आवासीय कर्ज पर मासिक किस्तों के भुगतान के लिए भविष्य निधि खातों को जोड़ने की अनुमति देने की भी योजना देंगे। हम EPFO के न्यासियों की अगली बैठक में मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। श्रम मंत्री की अध्यक्षता में EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की अगली बैठक अगले महीने होने की उम्मीद है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की शादी हमेशा चर्चा का विषय रही है, लेकिन उनके पिता सलीम खान का कहना है कि खुदा भी नहीं जानता कि उनका बेटा कब शादी करेगा। सलमान के पिता जाने माने पटकथा लेखक 80 वर्षीय सलीम खान से कभी कभी उनके बेटे की शादी को लेकर सवाल पूछा जाता है
उन्होंने ट्विटर पर घोषणा की है कि वो एक रेडियो शो की मेजबानी करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने फॉलोअर्स से सलमान की शादी को लेकर सवाल नहीं पूछने का आग्रह किया। सलीम ने ट्वीट किया, सलमान कब शादी करेगा, इसके अलावा आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, खुदा भी ये नहीं जानता। सलीम 70 MM शो कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे जो हर शनिवार रविवार को प्रसारित होगा। ऐसी खबरें हैं कि सलमान नवंबर में शादी करने की योजना बना रहे हैं। खबरों के मुताबिक वो रोमानिया मॉडल लूलिया वंतुर के साथ डेटिंग कर रहे हैं। माइकल फेलिप्स ने रियो ओलंपिक में अपने आखिरी इवेंट 4x100 मीटर मेडल रिले में गोल्ड मेडल जीतने के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रियो में 5 गोल्ड के साथ फिलिप्स अब तक 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ओलंपिक के इतिहास में वो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रियो ओलंपिक में ये अमेरिका का 24वां गोल्ड मेडल साबित होगा। माइकल फिलिप्स ने रियो ओलंपिक में अपने आखिरी इवेंट 4x100 मीटर मेडले रिले में गोल्ड मेडल जीतने के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रियो में 5 गोल्ड के साथ फिलिप्स अब तक 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ओलंपिक के इतिहास में वो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बन गए हैं। रियो ओलंपिक में ये अमेरिका का 24वां गोल्ड मेडल साबित हुआ। ये अमेरिका का 1001वां ओलंपिक पदक था। अमेरिका के लिए 1000वां ओलंपिक पदक महिला रिले टीम ने हासिल किया। इस ओलंपिक में अपने 6 इवेंट में से फिलिप्स ने 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। एक इवेंट में उन्हें सिंगापुर के स्कूलिंग से हार का सामना करना पड़ा था। फिलिप्स ने साफ कर दिया कि वो 2020 टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेंगे और ये ओलंपिक ही उनका आखिरी ओलंपिक था। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मेट्रो टीवी से। नमस्कार।